कुम्हार के घर का मट्टी का पात्र और एक अंश का समाज बांस का जो डलिया बनती है, बांस की जो पिटारी बनती है, उस बांस का जो सूपड़ा बनता है, बांस की जो टोकनी बनती है, जो बंसकार समाज बनाती है, एक कुम्हार बनाता है मट्टी का पात्र और एक बंसकार बनाता है बंस बांस का सामग्री। ये दोनों बंस को बनाने का काम करते हैं। पहले से सुहागंध स्त्री सौभाग्य की जो नानी कोई भी उद्यापन करती थी ना, तो आप पोथी पढ़ेंगे तो उस पोथी में आप निकालना तो उसमें लिखा रहता है कि सुहाग पिटारी। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, उसमें लिखा है सुहाग पिटारी, उसमें ये नहीं लिखा कि डलिया में सुहाग की सामग्री देना प्लास्टिक की, उसमें ये नहीं लिखा कि प्लास्टिक के बॉक्स में सामान देना, उसमें लिखा है सुहाग पिटारी। सुहाग पिटारी देने का मतलब क्या होता है कि बांस की कोई डलिया हो, बांस की कोई पिटारी हो, बांस की कोई टोकनी हो, बांस की कोई सामग्री हो, उसमें सुहाग की वस्तु रखकर जब दी जाती है तो नारी कभी विधवा होकर नहीं जाती थी। पति के कंधे पर अंतिम समय में अखंड सौभाग्य को बंस बांस बढ़ाता है। इसलिए लड़का और लड़की की शादी मंडप में होती है और वो मंडप के अंदर बांस लगना भले जैसे वो लोहे के डब्बे में तुम बांस फंसाओगे, पर बांस लगाना पड़ेगा, बांबू लगाना पड़ेगा। तो बांबू जो लगाया जाता है, जो बांस लगाया जाता है, जो बंस लगाया जाता है, यही हमारे बंस और यही हमारे सौभाग्य को कमल करता है। इसलिए बांस का होना विवाह में भी जरूरी है। बांस का दान बंस का दान, अर्थात जैसे हम दलिया के अंदर सामग्री रखकर दान देते हैं उसका फल गुना होता है। ये तो अभी अभी हो गया। पहले के समय में तो घर में अगर शादी के पहले वो मट्टी लेने भी जाते हैं ना, इधर जाते कि नहीं जाते पता नहीं हमको, पर शादी के पहले मट्टी लेने भी जाते हैं तो घर की बहन बहन की छोटी छोटी डलिया से मट्टी खुलवा कर दामाद के द्वारा जमाई के द्वारा उसको लेकर आती है, उसको खल मट्टी कहते हैं, प्लास्टिक की डलिया 2 रुपए में भी मिल जाएगी, प्लास्टिक की डलिया 3 रुपए में भी मिल जाएगी, प्लास्टिक की डलिया हल्की से हल्की ले लो 5 रुपए में मिल जाएगा, बांस की थोड़ी महंगी मिलेगी, पर सुहाग तो रहेगा ना, सुहाग को भी तो दे दो, सस्ते में क्यों तोल देना सौभाग्य की वस्तु। अब कहते हैं गुरु जी, बांस की डलिया जिसको देंगे वो काम में तो ले जाएंगे, वो बांस जिसकी